घर किसी इंसान के सबसे जरूरी चीजों में से एक होता है, जहां वो आराम की नींद ले सकता है। दुनिया का चाहे कोई भी आदमी हो, उसकी एक डिमांड जरूर होती है कि उसका अपना एक घर हो। किसी आदमी के पास से जितना अधिक पैसा होता है, उसका घर उतना ही बेहतरीन दिखता है और उतना ही बेहतरीन लोकेशन पर होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में ये बात बिल्कुल गलत साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे घरों के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे घरों को दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल बचेगा, क्या वाकई में उसमें रहने वाले लोग आराम से सो पाते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के सबसे अजीबोगरीब घरों के इस सफर को, फ्लोटिंग सी हॉर्सेस। शुरुआत से इंसानों ने धरती पर अपना घर बनाना सीखा, लेकिन समय के साथ धरती पर इंसानों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि वे अब खेतों में भी घर बनाने लगे थे, और जब वहां की जगह नहीं बची तो इंसानों ने समुद्र में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया, जिसके बाद सामने आया ये दुनिया का सबसे अजीबोगरीब घर, जिसे फ्लोटिंग सी हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी के बीचों बीच एक तैरता हुआ घर दिखाई दे रहा है, जो असल में किसी छोटे से जहाज की तरह दिख रहा है। इस घर की सबसे खास बात यह है कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर कभी समुद्र का जल स्तर बढ़ता है या फिर घटता है, तो ये घर अपने आप वाटर लेवल के हिसाब से ऊपर या नीचे हो जाएगा। अजीबोगरीब से दिखने वाले इस घर के अंदर लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम सब कुछ मौजूद है, और तो और इस घर के छत पर धूप सेकने के लिए भी बहुत अच्छी जगह बनाई गई है, और जब भी आपको स्विमिंग करने की इच्छा हो तो बस आपको खिड़की या फिर दरवाजा खोलना है और छलांग लगा देना। घर के नीचे के हिस्से में एक एक्वेरियम भी बनाया गया है, जिससे आप समुद्र के अंदर के खूबसूरत नजारे को देख सकते हैं। यही इस घर की सबसे खास बात भी है, क्योंकि इस घर के बेसमेंट में जाकर आप समुद्र के एक एक जीवों को बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आपको अपने पड़ोसी के पास जाना है तो आपको गाड़ी, मोटर या फिर जहाज की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पूरे घर को ही तैरते हुए अपने पड़ोसी के पास जा सकते हैं। इस घर को सबसे पहले 2015 में पेश किया गया था और इसकी कीमत लगभग $3 मिलियन है, यानी लगभग 22 करोड़ के बराबर। ग्रीन मैजिक होम्स। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसे अपने घर के आसपास हरियाली देखने का शौक होता है, इसी वजह से वे अपने घर के आंगन में ढेर सारे पेड़ पौधे उगा देते हैं, और कुछ लोग तो अपने इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक सुंदर सा फार्म हाउस तैयार करवाते हैं। लेकिन फिलहाल आपको अपने स्क्रीन पर जो हरा भरा गुफा जैसा घर दिखाई दे रहा है, उसका नाम ग्रीन मैजिक होम है। ये घर पूरी दुनिया के सबसे अजीबोगरीब घरों के लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। इस घर की सबसे खास बात यह है कि इसे ऐसे तत्वों से बनाया गया है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, और उसके बाद पूरे के पूरे घर को ही पेड़ पौधों से ढक दिया जाता है। ध्यान देने की बात तो ये है कि ये सभी नकली पेड़ पौधे नहीं बल्कि असली पेड़ पौधे हैं। यहाँ तक कि अब तक तो कुछ लोगों ने अपने ही घर के छतों पर सब्जियों को भी उगाना सीख लिया है। ये घर इतने अधिक हरियाली की वजह से इतना ठंडा होता है कि इन लोगों को एसी या फिर कूलर की आवश्यकता नहीं पड़ती, और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस घर को बनाने में बेहद ही कम खर्चा आता है, और आपके स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए बेहतरीन विकल्प भी हो सकता है। इसे बनाने में सिर्फ $15,000 का खर्चा आता है, यानी लगभग 11 लाख रुपए। अमेरिका के वर्जिन आइलैंड पर ऐसे ढेर सारे घर देखने को मिलते हैं, जो असल में इंसानों के रहने वाले मॉडर्न गुफा जैसा दिखाई देता है। हाउस इनसाइड ए रॉक। अगर आपको ढेर सारे पैसे दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि एक बहुत ही सुंदर और सबसे अलग दिखने वाला घर बनाना है, तो यकीनन आप धरती पर मौजूद किसी अच्छी जगह की तलाश में लग जाएंगे। लेकिन अब देखिए दुनिया के सबसे अजीबोगरीब घरों के लिस्ट में तीसरे घर को, जिसका नाम हाउस इनसाइड अ रॉक है। यकीन मानिए, सामने से इस घर को देखने के बाद आपकी सांसें थम जाएंगी, और इसे तैयार कैसे किया गया होगा, और तो और इस घर में रहने वाला कौन है। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके चट्टानों को काट काट कर बनाया गया है, लेकिन हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने पहाड़ी इलाकों में चट्टानों को काट कर अजीबोगरीब और बेहतरीन तरीके का घर बनाना सीख लिया है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक बड़ा सुंदर सा घर पहाड़ी के एक बड़े से चट्टान को काट कर बनाया गया है। इसे आप मॉडर्न जमाने की एक गुफा भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर सारी सुख सुविधाओं की चीज मौजूद रहती है। इस घर को बिल्कुल उसी तर्ज पर बनाया गया जैसे कि चूहा या फिर सांप किसी जमीन में छेद करके अपना घर बना लेते हैं। पहाड़ी के चट्टान बाहर से भले कितना भी घर में क्यों ना हो जाए, अंदर का तापमान हमेशा सामान्य रहता है। कैटरपिलर हाउस। जब आप शहर से किसी दूसरे गांव में जाएंगे तो वहां आपको तरह तरह के घर मकान दिखाई देंगे, कुछ लकड़ियों से बने घर तो कुछ घास फूस के तिनकों से बने घर, कभी मिट्टी के घर तो कभी टीन शेड से बने हुए घर।
लेकिन अब आप देखिए दुनिया के चौथे सबसे अजीबोगरीब घर को, जिसको शिपिंग कंटेनर से बनाया गया है। अगर आपको शिपिंग कंटेनर का मतलब नहीं समझ में आया तो आपको बता दें कि इसके अंदर ही सामान को भरकर एक देश से दूसरे देश में इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर आप पबजी गेम खेलते हैं तो जॉर्जो पूल या फिर नोवो में आपको ऐसे सैकड़ों कंटेनर देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में एक इंजीनियर ने अपने दिमाग के खुराफात का इस्तेमाल करते हुए शिपिंग कंटेनर को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कई कमरों का एक होटल तैयार कर लिया है, जो कि बिल्कुल पहाड़ी की एक चोटी पर है। उसने शिपिंग कंटेनर को इस तरीके से डिजाइन किया है कि उसमें खिड़की, दरवाजे, हर एक चीज मौजूद है और अंदर से वो बिल्कुल एक हाई क्वालिटी का रूम जैसा दिखता है। और इस घर की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर पहाड़ी पे कभी भूकंप या फिर कोई खतरा आता है तो उस कंटेनर के अंदर रहने वाले लोगों को नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिपिंग कंटेनर से बनाए जाने वाले इस घर का खर्चा बहुत ही कम पड़ता है। ऐसे लोग जो पहाड़ियों के पास अपना घर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अब ये बहुत ही अच्छा विकल्प बन चुका है। जॉयजी आइसलैंड। अब बारी आती है हमारे इस लिस्ट के सबसे अजीबोगरीब और सबसे बेहतरीन घर की, जिसका नाम जॉयजी आइलैंड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिको के एक समुद्री किनारे पर इस घर को 1,00,000 से ज्यादा प्लास्टिक बोतल की मदद से बनाया गया है। वहां रहने वाले एक शख्स ने सबसे पहले लोगों के द्वारा फेंके गए प्लास्टिक के बोतल को कलेक्ट करना शुरू किया और इन प्लास्टिक के बोतल को एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़कर समंदर में एक आइलैंड तैयार कर लिया। 1,00,000 से भी अधिक बोतल को एक साथ जोड़ने के बाद ये इतना मजबूत हो गया था कि उस पर भारी भरकम वजन रखने के बावजूद भी वो डूबता नहीं था। जिसके बाद उस शख्स ने उस मैन मेड आइलैंड के ऊपर एक छोटा सा झोंपड़ी तैयार कर लिया। लेकिन अफसोस कि आज से लगभग 20 साल पहले समुद्र में एक छोटा सा तूफान आ गया और वो आइलैंड पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इस शख्स को ऐसा करने में बहुत मजा आता था। उसने एक बार फिर से एक आइलैंड बना दिया और इस बार उसे पहले से मजबूत बेस वाला घर तैयार किया। लेकिन साल 2011 में एक बार फिर से समुद्री तूफान आया और इस पूरे आइलैंड को तबाह कर गया। उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और इस बार उसने और भी मजबूत आइलैंड बनाने का सोचा और लगभग 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक बेहतरीन आइलैंड बना डाला और उस पर 3 फ्लोर का एक घर भी बना दिया। ये आइलैंड पूरी तरह से लोगों के द्वारा फेंके गई चीजों से बनाया गया है। लेकिन अफसोस कि साल 2019 में एक बार फिर से समुद्री तूफान ने उसके इस बेहतरीन आइलैंड को बर्बाद कर दिया। लेकिन उस शख्स के अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसने एक बार फिर से और उससे भी बेहतरीन आइलैंड तैयार कर दिया। आज के वक्त में मैक्सिको का वो छोटा सा मैनमेड आइलैंड एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते रहते हैं। विकेल हाउस। वैसे तो अब तक आपने कई चीजों से बने हुए घरों को देखा होगा, जिनमें से अधिकतर आमतौर पर ईंट, पत्थर या फिर कंक्रीट के बने होते हैं। लेकिन अब हम आपको दुनिया के 6वें सबसे अजीबोगरीब घर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है विकल हाउस, जिसे ईंट, पत्थर या फिर कंक्रीट से नहीं बल्कि कार्डबोर्ड से बनाया गया है। जब आप कोई नया टीवी, फ्रिज या फिर कूलर लेते हैं तो उससे कार्डबोर्ड में लपेट कर आपके घर डिलीवर किया जाता है। एक इंजीनियर ने उसी कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन एडजस्टेबल घर को बनाना सीख लिया है। दरअसल इंजीनियर ने कार्टून के 25 लेयर को एक दूसरे से जोड़कर उसे इतना मजबूती से चिपका दिया कि वो एक बेहद ही मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, जिसके बाद उसे एक नेचुरली फ्रेंडली ग्लू के मदद से चिपका कर इस तरीके का घर तैयार किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सबसे पहले कार्टून के उस मजबूत ब्लॉक्स को चिपका चिपका कर छोटे छोटे ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं, जिसके बाद उसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके एक सुंदर सा घर बना दिया जाता है। और इस घर की सबसे खास बात यह है कि इस घर को जरूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना बहुत ही आसान होता है। आप किसी भी जगह पर कार्डबोर्ड के उन मजबूत टुकड़ों को ले जाकर अपने लिए एक टेम्परेरी घर बना सकते हैं, चाहे वो कोई जंगल हो या फिर कोई बीच या फिर कोई बड़े से घर की छत ही क्यों ना हो। किसी भी जगह पर कार्डबोर्ड के इन टुकड़ों में से एक टेम्परेरी घर तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने हमारी दुनिया में कितने अजीबोगरीब तरह के घर बनाए जा चुके हैं। वैसे आपको इन सभी घरों में सबसे बेहतरीन घर कौन सा लगा, आप हमें कमेंट में बताइए। और हमें ये भी बताना कि आपने अपने आसपास किसी खास और अजीबोगरीब तरह से बने हुए घर को देखा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।